कोई अननोन नहीं है वहाँ एडमिशन कराया, हर कोई नॉमिनेटेड है वहाँ पे, पूरा रजिस्टर मंगा के नाम नॉमिनेट कर सकती है पुलिस। ये थोड़ी कोई बात हुई कि यहाँ पे कोई डिबेट में नाम बता दे तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। उन्हीं लोगों के नाम FIR उन लोगों को बंद कर दिया गया, वही हुआ ही यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में। बाकी जो रोड पे थे वो निकल गए, जो लोग कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे उनको मारा गया, उनके नाम FIR किया गया, घर वाले उनके परेशान हैं। ये पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया है, समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब जामिया में यही कांड हुआ था तो उन्होंने सरकार के समर्थन में नारेबाजी की थी, तो आज उनके साथ ऐसा हुआ, इसीलिए आज न जामिया से, न MEU से, न JNU से कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि वो झेले थे तब ये आवाज़ नहीं उठाए, सरकार के समर्थन में नारेबाजी किए थे, तो आज वही उनके साथ भी हुआ। तो सरकार जो अगर गलत करे तो उसमें हम हर किसी को एक होना चाहिए, ये नहीं कि अगर सरकार गलत कर रही है तो हम गलत का भी साथ देंगे। जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ धरातल पर है, उसको हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। योगी जी के राज में जो भी कुछ हुआ धरातल में, ये बात सच्चाई है कि सपा की गवर्नमेंट में यहाँ की रोडें बहुत खस्ता हाल थी, यहाँ की रोडें बहुत अच्छा काम हुआ, यहाँ पे दो दो तीन तीन कैबिनेट मंत्री रहे, कभी कोई यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो काम हुआ BJP गवर्नमेंट में हुआ, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज BJP गवर्नमेंट की देन है, मेडिकल कॉलेज BJP गवर्नमेंट की देन है, ITI कॉलेज गवर्नमेंट आया वो भी देन है, ड्रग्स वेयर हाउस आया वो भी योगी जी की देन है। यहाँ पे मात्र एक मंत्री रहे मोती सिंह और बाकी सब विधायक चार रहे, पूरी भाजपा की सीटें भी नहीं रही। लेकिन ये बात जो फैक्ट है ये बात सही है कि BJP गवर्नमेंट जो प्रतापगढ़ जिले में विकास हुआ वो किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, और जबकि प्रतापगढ़ का इतिहास रहा है बहुत पुराने, यहाँ पे राजा भी हुए हैं, महाराजा भी हुए हैं, सबसे ज़्यादा राजा प्रतापगढ़ जिले में थे, आज भी वही कई कोठियाँ हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे जो जेल है वो भी राजा दान किए थे, आज उनको भी टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन विकास का काम कोई नहीं हुआ था। विकास का काम हुआ तो BJP गवर्नमेंट में हुआ है। पर अपराधियों के ऊपर भी अंकुश लगाया गया, बहुत सारे अपराधी भी जो थे और कारोबार गलत काम छोड़ के वो भी आज सही रास्ते पे चले, पर ये है अपराधियों पे जो अंकुश लगाई BJP गवर्नमेंट में, BJP गवर्नमेंट ने जो अपराधियों को चिन्हित किया वो धर्म विशेष के लोगों को देख के चिन्हित किया, अपराधियों को धर्म विशेष देख के चिन्हित किया गया। मतलब फिर से थोड़ा इलेबोरेट कीजिए अपनी बात को। इलेबोरेटी बातें ये है कि जैसे अगर कोई अपराधी रहा, अब यही धनंजय सिंह को आप ले लीजिए, सुशील सिंह को ले लीजिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, एक प्रॉपर्टी पे आप बता दीजिए कि इनकी प्रॉपर्टी पे कहीं बुलडोजर चला हो या किसी इनके एक आदमी की इनके आदमी का शूट आउट हुआ हो। शूट आउट हुआ यहाँ पे ब्राह्मणों का हुआ है, पूरे UP में सब बता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा शूट आउट ब्राह्मणों का हुआ है, यादव का हुआ है, मुसलमानों का हुआ है। जबकि अगर वो योगी जी थे उन्होंने जो अपराधी थे अपराधी को समुदाय से जोड़ के देखा। आप हमको एक बता दीजिए प्रतापगढ़ यूपी में क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और यही सब माफिया थे? प्रताप पूरे यूपी में बहुत से माफिया बैठे, प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा माफिया, प्रतापगढ़ में माफिया कोई नहीं है, प्रतापगढ़ में कोई माफिया नहीं है। आप जहाँ जिले जाना चाहते हैं हम समझ रहे, लेकिन वो माफिया नहीं है वहाँ, आप जाके सुनिए मैं वहाँ से होकर आ रहा हूँ, और मैं राजा भैया के नाम में ले भी रहा हूँ। राजा भैया का 2.25 घंटे का इंटरव्यू लल्लन टॉप पे हुआ है, और कल मैं कुंडा में था, भी दिन भर कुंडा कवरेज में था, मैं बहस वहाँ ले नहीं जा रहा हूँ। आपने कहा कि प्रतापगढ़ में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, तो मुझे लगा कि प्रतापगढ़ में भी कोई माफिया है। हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में बता दीजिए धनंजय सिंह थे, ब्रजेश सिंह थे और सुशील सिंह थे, ये लोग भी माफिया हैं। MLC अपने दमबंगई से बना लेते हैं, बता दीजिए इनकी एक प्रॉपर्टी पे कहीं बुलडोजर चला हो, एक प्रॉपर्टी पे। हाँ, उन लोगों का हुआ है जो मुख्तार से जुड़े हुए थे, जैसे अजय सिंह को मरवा दिया गया, मुन्ना बजरंगी तो जेल में हुई थी, एक जो लखनऊ में शूट आउट हुआ था अजीत सिंह को मरवा दिया गया। अजीत सिंह को इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के करीबी थे, उनका शूट आउट हुआ था। आपकी भी सुनेंगे सर, आप चाहें तो पीछे चले जाएंगे, दूसरों को भी मौका दे देंगे हम लोग ना। तो एक चीज में सर, हाँ एक तो सर लोग बात, अरे सुन लीजिए, हाँ हाँ एकदम एक चीज मेरा ये सवाल है कि आप काफी बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हैं, यहाँ पे जो गलत है स्पेड वाला आप रवैया अपनाना चाह रहे हैं, रोजगार को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या नाम क्या आपका जी? मोहम्मद अशफाक जी। रोजगार को लेकर क्या सोचना है? देखिए रोजगार तो कम हुई है, रोजगार के लिए यूपी अखिलेश गवर्नमेंट में भी बेरोजगारी थी, बेरोजगारी
आज दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही। सुनिए भाई, दो मिनट शांत रखो यार। अगले योगी राज में जो भर्तियां आई ज़्यादा तो नहीं हो पाई, लेकिन जहां तक मेरा सेंस कहता है इनकी इनके राज में जो भर्तियां वो क्लीन हुई हैं एकदम। अब यूपी पुलिस की एसआई की भर्ती हुई थी, आप उसमें देख लीजिए मेरिट बेस पे कितनी भर्तियां हुई थी, वहां पे चिन्हित करके लोगों को भर्ती किया गया था। ऐसा कोई नहीं, ऐसा ये नहीं था जिसके पास पैसा था या जिसके पास पैसा था वही भर्ती हो पाया था। भ्रष्टाचार हुआ था, भ्रष्टाचार अखिलेश के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। 50,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था, चिन्हित करके लोगों को किया गया था। योगी जी के राज में भर्तियां तो बहुत कम हुई हैं, अखिलेश के नोर की जानिब से बहुत कम भर्तियां हुई हैं, पर ये जो भी भर्तियां हुई हैं वो क्लीन हुई हैं, जो योग्य थे वो पाए थे।